नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ ट्यूनिंग फॉक विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एट हंड्रेड हर्ज प्रोड्यूस रेजोनेस इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विद अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज बाय वाटर सरफेस सक्सेसिव रेजोनेसिज आर ऑब्जर्व एट लेंथ ऑफ नाइन पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर थर्टी वन टू फाइव सेंटीमीटर एंड फिफ्टी टू पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर सवालिय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगी हमारे ऑप्शन है 500 मीटर पर सेकेंड 156, 344 या फिर 172. सेवेंटी टू ना अच्छा सवाल है थोड़े से अगर आपने यहाँ पे कोई इसके ओपन एयर कॉलम के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान सवाल है रेजोनेंस ट्यूब जो है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की बात की हुई दैट इज़ नथिंग बट आपका ये जो ओपन पाइप होता है ऑर्गन पाइप उसको तो अगर इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले अगर इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसी आती है उससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा आ, थोड़ा सा इसे लंबा बना लेते हैं ये ऐसे हो जाएगा आपका अलाइन एंड सिमिलरली नेक्स्ट 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 वो आ जाएगी जो यहाँ पे कॉमन पैटर्न नोटिस करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वाले केस में हम कहते हैं एल इजल टू लेमडा बाय फोर या आपकी जो टोटल लेंथ है वो लेमडा बाई फोर आएगा इस वाले केस में एल है आपका थ्री लेमडा बाई फोर सिमिलरली अगले वाले केस में आएगा एल इजल टू फाइव लैमडा बाई फोर अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे हम कहेंगे आ, ये एल वन टू और थ्री कह लेते हैं इसको सो so, ये अगर आपका आ, इसको आ, इसको अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लैमडा बाई टू है सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका लेमडा बाई टू है तो सक्सेसिव आपकी जो भी आ, वेवलेंस आएंगी उनका डिफरेंस लेमडा बाई टू आएगा क्योंकि यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी और दे रखी है वेलोसिटी के टर्म में आंसर पूछा है तो इसी लेमडा बाई टू को हम वी बाय टू एफ़ लिख लेते हैं सो ये हो गया वी डिवाइडेड बाय टू एफ़ बिकॉज अपने को पता है कि हम वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लेमडा लिखते हैं तो लेमडा विल बी इक्वल टू वी बाय एफ हो जाएगा आपका एफ़ आपकी फ्रीक्वेंसी है वी आपकी वेलोसिटी है नाउ ये जो पहले दो के बीच में और अगले दो के बीच में हमें डिफरेंस दे रखा है सो so, इसका मतलब ये हो गया है कि वी डिवाइडेड बाई टू एफ़ जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी दो के बीच का डिफरेंस है थर्टी वन पॉइंट टू फाइव माइनस आपका दे रखा है नाइन पॉइंट सेवन फाइव सो नाइन पॉइंट सेवन फाइव अगर इन दोनों को सपट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी आ, आ, ये हो जाएगा ट्वेंटी ये तो पीछे फाइव ज़ीरो और उसके बाद फाइव जीरो आ गया और उससे पहले जो अपनी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी यहाँ से इकतीस में से नौ ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो सिमिलरली ये तो अगले वाले इस पर भी वही आना चाहिए लेकिन एक बार डेटा को चेक और वेरीफाई कर लेते हैं सो so, अगले वाले केस में हम कह रहे हैं जो अगला हमें वैल्यू दे रखी है फिफ्टी टू पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी टू पॉइंट सेवन फाइव माइनस थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इसको करेंगे तो ये फिर पॉइंट फाइव जीरो आया और फिफ़्टी टू में थर्टी वन गया तो ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो तो दोनों ही केसेस में ये वैल्यू आ रही है सो so इसको इक्वेट कर देंगे विच एम्प्लाइज आपका वी डिवाइडेड बाय टू एफ जो है वी डिवाइड बाय टू एफ़ उसकी वैल्यू होगी ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो यानी कि आपकी वेलोसिटी हो जाएगी टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव जीरो मल्टीप्लाइड आपकी फ्रीक्वेंसी, ये डेटा आपने को दिया हुआ है सो so, टू uh, को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा फो फोर्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसी अपने को एट सौ एट हंड्रेड दे रखी है अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अच्छा ये डेटा जो है ये आपका सेंटीमीटर में है तो इसको ऐसा SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर माइनस टू तो फोर्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाई एट करना है सो so, ये आ गया फोर और फोर ये करके और आपकी इसकी जो वैल्यू बन जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया फोर चौबीस दो थर्टी फोर थ्री फोर्टी फोर सो इसका मतलब ये है कि अपनी वेलोसिटी ऑफ साउंड है थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड हैंस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर